हेलो गाइस, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेलर थ्योरम। आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरम का प्रूफ तो देखेंगे, साथ में टेलर थ्योरम की हेल्प से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका क्या मतलब होता है, वो अपने आप में क्या मायने रखता है, मतलब टेलर थ्योरम की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हम टेलर थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप गूगल पर टेलर थ्योरम के बारे में सर्च करते हो तो आपको विकिपीडिया पर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसमें क्या लिखा है मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि एक हमें एक फंक्शन दिया होगा जो कि कितने टाइम तक डिफरेंशिएबल है, मतलब हम इसको चाहे कितनी बार भी डिफरेंशिएशन करें इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा। उसके बाद हम इसको टेलर थ्योरम की हेल्प से एक पॉलीनोमियल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा? डिग्री के का, इसको हम एक पॉलीनोमियल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जो हमारा रिज़ल्ट आएगा ये हमें एक अप्रोक्सीमेशन देगा। अप्रोक्सीमेशन से मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पर ये जो पॉलीनोमियल दिख रहा है जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो बहुत हद तक इस फंक्शन के ग्राफ के जैसा ही होता है। तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मैं अभी यहाँ पर एक साइन फंक्शन ले रहा हूँ। हम टेलर थ्योरम की हेल्प से इस साइन फंक्शन के लिए एक टेलर सीरीज़ पता कर सकते हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ये एक पॉलीनोमियल भी है जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं और ये इसको हम टेलर सीरीज़ भी बोलते हैं ना, एक ही बात है। तो देखिए, अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह से होता है जो कि -1 से 1 के बीच में होता है। और अगर हम इस पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? अगर हम सिर्फ एक टर्म लें तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। अगर हम दो टर्म लें तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और अगर तीन टर्म लें तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ऐसे ही अगर हम टर्म्स की संख्या को बढ़ाते जाएँ तो उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ये वाला जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके जैसे हो जाएगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक टर्म्स लेने होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अभी अभी स्क्रीन पे केवल 5 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, इन्फाइनाइट हो गए। तो अगर हम जितने ज़्यादा टर्म्स लेंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे तो वो बहुत हद तक इस ग्राफ के जैसा ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि टेलर थ्योरम में क्या होता है कि टेलर थ्योरम किसी फंक्शन के लिए एक अप्रोक्सीमेशन तैयार करती है, मतलब एक ऐसा फंक्शन तैयार करती है, या मैं बोलूँ एक ऐसा पॉलीनोमियल तैयार करती है जो कि बहुत हद तक उस पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ के जैसे ही हो। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? आप देखो, अगर हम साइन फंक्शन की पाई पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब 180 डिग्री पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू हमें पता है, वो तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन अगर हम इस पॉलीनोमियल की हेल्प से साइन पाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? हम सिंपल सा क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों ग्राफ एक जैसा है, तो इसका मतलब है कि इसका इनपुट सेम है और इस ग्राफ का आउटपुट और इस ग्राफ का आउटपुट बिल्कुल सेम है ना, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर हम इस यहाँ पर भी पाई की वैल्यू इसमें रखेंगे, मतलब पाई की जो भी वैल्यू है 3.141 सो ऑन, वो अगर हम यहाँ पर इस पॉलीनोमियल में रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल साइन पाई पे जो आउटपुट आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है हमें टेलर थ्योरम की हेल्प से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टेलर थ्योरम क्या करती है, हमको एक अप्रोक्सीमेशन देती है एक उस फंक्शन का। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप देखिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x)(e)x। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है, ये रेड लाइन जो दिख रही है वो वैसा होता है। ठीक है, अब टेलर थ्योरम की हेल्प से हम जो टेलर सीरीज़ बता करते हैं इस फंक्शन की, उसका अगर ग्राफ बनाए तो वो बहुत हद तक हमें एक नया ग्राफ देता है। ठीक है, और कैसा देता है? वो किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो पॉइंट ज़ीरो पर सेंटर्ड है ना। सेंटर्ड होने का मतलब मैं अभी आपको वीडियो में आगे समझा दूंगा कि सेंटर्ड क्या मतलब होता है जब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल में देख लो कि ये जो ग्राफ है, मतलब ये टेलर थ्योरम की हेल्प से जो हम टेलर सीरीज़ निकालेंगे उसका जो ग्राफ बन रहा है वो ज़ीरो पे सेंटर्ड है। तो मैंने यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फोर्थ ऑर्डर, इसका मतलब है कि हमने केवल फोर टर्म ही ली है
और उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। इसके बाद हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो ठीक है, तो आप इसको प्रूव करने के लिए हम एक पावर सीरीज लेंगे। तो पावर सीरीज अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये इस तरह से होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू एन इक्वल टू इन्फाइनाइट, ठीक है, सी एन इंटू एक्स माइनस ए की पावर एन। तो यहाँ पे जो एक्स माइनस ए है, इसका मतलब होता है कि सेंटर्ड एट ए, मतलब हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, मतलब हमारे ये जो पावर सीरीज है, ये ए के ऊपर सेंटर्ड है। ये इसको मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाता हूँ कि सेंटर्ड का क्या मतलब क्या होता है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे अगर हम 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाएं तो इस तरह से बनता है। अगर हम इस फंक्शन में 3 ऐड कर दें तो आप देखिए हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होगा? 1, 2, 3। और अगर हम इसी फंक्शन में -3 कर दें तो आप देखिए हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की ओर शिफ्ट होता है। अब अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पर x की जगह पे x माइनस टू लिखते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? वो x एक्सिस में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इसी ग्राफ फंक्शन में x की जगह पे x प्लस टू लिखते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि x के साथ जो वैल्यू होती है ये एक तरह से उस ग्राफ का सेंटर तय करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 4x स्क्वायर था तो यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं था, तो इसका जो ग्राफ का सेंटर है वो ज़ीरो होगा। और जब हम x के साथ में x माइनस टू लिखते हैं तो आप देखिए इसका जो ग्राफ है वो ये वाला है, तो इसका जो सेंटर है वो x इक्वल टू टू पे। और आप यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पर x प्लस टू लिखा तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है। तो ये जो वैल्यू है ये उस फंक्शन का सेंटर तय करती है, मतलब उस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है उसका सेंटर तय करती है। आप इसी चीज़ को आप अगर एक फंक्शन ई एक्स में देखें तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, और इसका टेलर थ्योरम की हेल्प से जो एक्सपेंशन होता है तो उसकी हेल्प से हमें जो सीरीज़ मिलती है वो ये होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा, जिसका सेंटर एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। अभी ये जो ग्राफ है वो ई एक्स के जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो टर्म्स है वो ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ 14 तक ही लिए है। अगर मैं और ज़्यादा टर्म्स लेता तो ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा, ये वाला ग्रीन वाला, ये बिल्कुल ई एक्स के ग्राफ के जैसा होता है ना। तो अभी हमने यहाँ पर टर्म्स कम लिए तो इसका जो ग्राफ है उसमें थोड़ा सा एरर आएगा, मतलब उससे थोड़ा अलग होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स माइनस नाइन लिख देते हैं तो आप देखिए ये जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज़ का जो सेंटर है, मतलब इसके जो ग्राफ का सेंटर है वो चेंज हो जाएगा और x इक्वल टू 9 पे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x माइनस ए का मतलब क्या है ना। अब हम इसके प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन वन नाम दे रहे हैं, उसके बाद हम इस इक्वेशन वन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो कॉन्स्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा और हमको यहाँ पर C1 मिलेगा और ये 1 हो जाएगा। बाकी टर्म, बाकी ये जो टर्म है वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखिए जो कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 आगे आ जाएगा 2 × 1, और ये जो x माइनस ए है ये 1 हो जाएगा, तो 2C2 मिलेगा। उसके बाद बाकी टर्म्स भी आप देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो कॉन्स्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, ये पावर 1 आगे आ जाएगी, तो 3 × 2 × 1 C3, एक्स माइनस है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स को इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम ऐसा करते जाएंगे, है ना, आपकी चॉइस है, कितनी बार भी कीजिए आप। उसके बाद हम इसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो इन सभी इक्वेशन में, तो जब हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक्स ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए 0, यहाँ पर भी ए माइनस ए 0, ए माइनस ए 0, ये इसके आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको C0 इक्वल टू मिलेगा एफ ए। उसके बाद जब हम यहाँ पर ए रखेंगे
तो हमको सी वन इक्वल टू मिलेगा एफ डैश ए। उसके बाद यहाँ पर जब हम एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, सिर्फ सी टू इक्वल टू मिलेगा एफ डबल डैश ए अपॉन टू फैक्टोरियल। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर हमको सी थ्री मिलेगा एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3.2.1 है जो कि थ्री फैक्टोरियल के इक्वल होता है, जो कि इधर जाके एफ ट्रिपल डैश एक्स के बटे में चला जाएगा। इसके बाद ये जो हमको यहाँ पर वैल्यूज़ मिल रही है हम इसको इक्वेशन वन में रखेंगे। तो जब हम यहाँ पर इक्वेशन वन में रखेंगे तो आप देखिए जब हम सी जीरो की वैल्यू रखते हैं एफ ए तो हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर सी वन की वैल्यू रखेंगे जो कि है एफ डैश ए, है ना, और उसके इंटू में है एक्स माइनस ए। उसके बाद सी टू की वैल्यू रखेंगे जो कि है हमारे पास एफ डबल डैश ए अपॉन टू फैक्टोरियल और उसके इंटू में है एक्स माइनस ए की पावर टू। उसके बाद हम यहाँ पर सी थ्री की वैल्यू रखेंगे जो कि है एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल उसके इंटू में है एक्स माइनस ए की पावर थ्री। ठीक है, इसी तरह से हम जितने भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे उसको यहाँ पर पुट करना है। तो इसी तरह से हमें एक सीरीज मिलेगी जिसको हम टेलर सीरीज बोलते हैं ना, इसको टेलर थ्योरम बोलते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम टेलर सीरीज बोल सकते हैं, या फिर ये जो रिजल्ट है एक पॉलीनोमियल के रूप में बहुपद के रूप में इसको बहुपद भी बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रूफ। ठीक है, यही हमारी टेलर थ्योरम है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना, मतलब इस थ्योरम का मैं आपको एक एग्जांपल के ऊपर यूज़ करके दिखाता हूँ। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमको क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसके लिए हमें टेलर सीरीज पता करनी है जिसका ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो पर सेंटर्ड होगा। तो हमें पर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। हम इसको कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करें हमें हमेशा ई की पावर एक्स ही मिलेगा। तो और उसके बाद ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कितनी बार इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी बार भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उतनी बार आप कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमको इक्वल टू मिलेगा वन। हर एक इसमें आप देख सकते हो सब में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पर हमेशा वन ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम टेलर सीरीज का यूज़ करेंगे जिसका प्रूफ हमने देख लिया है। यहाँ पे ये जो ए है ये हमारे ग्राफ का सेंटर होगा, मतलब टेलर सीरीज जो है उसका सेंटर होगा। और एक और बात, ये जो ग्राफ मतलब ये जो हमारी सीरीज बनेगी ये ए के अराउंड कन्वर्जेंस होगी, मतलब इसकी जो कन्वर्जेंस होगी उसका जो सेंटर होगा वो ए होगा, है ना। तो आप देख लीजिए हमको एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट टेलर सीरीज पता करना है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सेंटर है ना। तो आपको इस ए की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, ना कि एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। तो जब आप ए की जगह पे ज़ीरो पुट कर दोगे उसके बाद हमें ये जो वैल्यूज़ निकालेंगे उसको आपको यहाँ पर पुट करना है। तो इस तरह से आपको जो सीरीज मिलेगी वो इस तरह से होगी। आपको कुछ नहीं करना है, एफ ज़ीरो की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर देना है, उसके बाद एफ डी एस की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर देना है, ऐसे सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। उसके बाद ये तो एक्स बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद इसको हम समेशन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने टेलर सीरीज़ के बारे में जाना कि टेलर सीरीज़ क्या होती है, और उसकी हेल्प से हमने एक फंक्शन को एक सीरीज़ के रूप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये भी देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।